आज हम बात करेंगे रामायण एनिमे क्यों बैन हुआ था, ओम राउत जी को आदि पुरुष बनाने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली और कैसे 30 सालों बाद लोगों को रामायण के बारे में फिर से पता चला। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रामायण एनिमे कैसे बैन हुआ। तो उस वक्त विश्व हिंदू परिषद ने यह कहा था कि बाहर के लोग हमारे रामायण को न्याय दिला पाएंगे और इसी के चलते रामायण एनिमे पर बैन लग चुका था। तो सबसे पहले इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि कोई भी मूवी सीरीज या फिर लिटरेचर रिलीज होने से पहले उसके बारे में हमें अनुमान नहीं लगाना चाहिए, प्रिडिक्शन नहीं करने चाहिए। पहले उस मूवी सीरीज या फिर जो भी उसके बारे में जान लेना चाहिए और उसके बाद ही अपने नतीजे पर पहुंचना चाहिए। तो जब विश्व हिंदू परिषद ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी, तभी कोसाकु जी ने विश्व हिंदू परिषद को कहा था कि मैं रामायण का बहुत बढ़िया तरीके से एडेप्टेशन करूंगा, लेकिन मिसकंसेप्शन की वजह से योगो साको जी इसे इंडिया में नहीं बना पाए। वो वापस जापान गए, उन्होंने स्टोरी फाइनलाइज की और इंडियन एनिमेटर राम मोहन जी के साथ कोलैबोरेट करके आर्ट डिजाइन की। 1990 में 450 आर्टिस्ट के साथ उन्होंने जापान में इसके ऊपर काम शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने इंडियन आर्टिस्ट लिए और वो लेना जरूरी भी था, खास करके म्यूजिक डिपार्टमेंट के लिए जो कि संस्कृत में भी थे। और इसे हिंदी में आवाज भगवान राम के लिए अरुण गोविंद जी ने दी थी, रावण के लिए अमरीश पुरी जी ने और सीता के लिए नम्रता साहनी जी थी, और इंग्लिश के लिए ब्रायन क्रैंस्टन जिन्हें सब जानते हैं जो ब्रेकिंग बैड के लीड एक्टर है, सीतामा के लिए रायल पद्मासी और रावण के लिए उदय मातन, इन सब ने इंग्लिश डब के लिए आवाज दी थी। रामायण एनिमे को भले ही इंडिया में स्क्रीन्स ना मिली हो, लेकिन 2000 के आसपास एक कार्टून नेटवर्क और पोगो जैसे चैनल पर एयर होते रहता था, खास करके दशहरा और दिवाली के सीजन में। योगो साको 2012 में चले गए, लेकिन वो पीछे बहुत बड़ी लेगेसी छोड़कर चले गए। उनकी और एक विश थी कि उन्हें भगवान कृष्ण की कहानी पर एक और एडेप्टेशन बनाना था, जो सैडली हमें कभी देखने को नहीं मिला। तो बात करूं 30 साल बाद 2022 में इंडिया जापान के 70 रिलेशन पर इसे 4K में रिमास्टर किया गया और दिल्ली में इसकी स्क्रीनिंग रखी गई, और तभी इसे ओम राउत जी ने देखा और उन्हें इंस्पिरेशन मिली रामायण के ऊपर मूवी बनाने की। तो अब आए आदि पुरुष के टॉपिक पर। तो सबसे पहले बात करूं कि काफी लोग कह रहे हैं कि प्रभास भगवान श्री राम के रोल के लिए सपने हो रहे, लेकिन बाहुबली के बाद काफी लोग चाहते थे कि प्रभास श्री राम के रोल ने दिखे, और काफी लोग डिसअपॉइंट हुए थे जिनमें समय भी टीजर देखने के बाद, क्योंकि रावण की लंका सोने की नहीं थी, वानर सेना का एनिमेशन खराब था और रावण को पुष्पक विमान की जगह ड्रैगन पर बिठा दिया था। तो इसका एक ही जवाब है, दरअसल एडेप्टेशन है रामायण एनिमे का, और रामायण एनिमे में मारिच को एक डेमोन की तरह ही देखा जाता। जैसे मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, आदि पुरुष में रावण जिसके ऊपर बैठे वो मारिच ही है, और रामायण एनिमे में रावण की लंका हमें सोने की देखने को नहीं मिलती, लेकिन उसमें रावण ने सोना पहना था, रावण का लुक एक्यूरेट था। और वानर सेना भी देखोगे रामायण के एनिमे में और इससे कंपेयर करोगे आदि पुरुष से, तो आप देखोगे आर्ट काफी मैच हो रहे। तो ओम राउत जी योगो साको जी का जो रामायण एनिमे है उसे ना एक्शन में बनाना चाहते थे, लेकिन उसमें वो मैसअप हो चुके और